नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बेकाबू हो रहे कोरोना पर सीएम हेमंत की अपील, कहा मुश्किल घड़ी में धैर्य बनाए रखें जनता। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में संक्रमण की रफ्तार लगातार रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। राज्य में पिछले एक महीने में संक्रमण 10 गुना अधिक बढ़ चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से पूरी तैयारी करने में जुटा है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों से सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने का अपील कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता के हाथों में समस्या का समाधान है। बढ़ते कोरोना के मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना बहुत चिंता का विषय है। आज के दिन दवा भी है और इधर संक्रमण भी बढ़ रहा है। हमें वैक्सीन लेने के साथ साथ सतर्कता भी ध्यान रखना होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी को हल्के में ना लें, सरकार और प्रशासन का सहयोग करें, सरकार के निर्देश का पालन करें। श्री सोरेन ने इस समस्या का समाधान आम जनता के हाथों में बताया है। झारखंड में कभी भी लग सकता है लॉकडाउन, सीएम हेमंत सोरेन ने कही है ये बात। झारखंड में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ने पर अलर्ट मोड में है। जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार के सूत्रों की माने तो आपदा प्रबंधन की बैठक में पूरे मामले की समीक्षा के बाद सीएम लॉकडाउन लगाने पर अंतिम फैसला लेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर सरकार की पैनी नजर है। हम लगातार स्थितियों पर नजर रख रहे हैं। जनहित को देखते हुए जल्द ही अहम फैसला लेंगे। झारखंड में आज कोरोना से 8 की मौत हो गई। 788 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि रांची में अकेले ही 446 नए केस। झारखंड में कोरोना से भयावह स्थिति बनती जा रही है। रविवार को एक बार फिर से 788 कोरोना पॉजिटिव की पहचान हुई, जबकि कोरोना से राज्य भर में 8 लोगों की मौत हो गई। अकेले राजधानी रांची में 446 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि जमशेदपुर में 94 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। रांची में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई। रविवार को 12,072 लोगों की कोरोना जांच हुई। इनमें बोकारो में 48, दुमका में 43 और धनबाद में 27 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। हजारीबाग में 19, साहिबगंज में 17, खुट्टी में 15, सिमडेगा में 11, चाईबासा में 8 और जामताड़ा में 13 लोग की कोरोना संक्रमित के रूप में पहचान की गई। झारखंड ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन, शेखर बॉस और एसएम हाशमी बने कार्यकारी अध्यक्ष। झारखंड ओलंपिक संघ की वार्षिक आम बैठक शनिवार को संपन्न हो गई। इसमें 2021-25 के लिए कमेटी का गठन किया गया। पहली बार कमेटी में दो महिला प्रतिनिधि अधियोक्ता जसमिंदर मजूमदार और द्रोणाचार्य अवार्डी को जगह दी गई। नामकुम के आरके आनंद लॉन बॉल स्टेडियम में आयोजित इस बैठक में मधुमिता कुमारी को बेस्ट एथलेट की वुमेन और धीरज कुमार पहाड़ी को बेस्ट एथलेटिक मैन का अवार्ड दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के दम पर रेलवे ने खिताबी मुकाबले में झारखंड को रौंदा, जीता सीनियर वनडे ट्रॉफी। रेलवे महिला क्रिकेट ने सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। रेलवे महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में झारखंड टीम को 7 विकेट से हराकर वनडे ट्रॉफी अपने नाम किया है। झारखंड महिला टीम ने रविवार को सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टीम बोर्ड पर बड़ा स्कोर नहीं लगा पाए और टीम निर्धारित 50 ओवर में 167 रन पर ढेर हो गई। टीम के लिए विकेट कीपर बल्लेबाजी इंद्राणी रॉय ने 77 गेंदों पर 3 चौकों की बदौलत सर्वाधिक 49 रन की पारी खेली। उनके अलावा कप्तान मनी निहारिका ने 39, निरल रश्मि ने 19 और दुर्गा मुर्मू ने 31 रन का योगदान दिया। झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी की सफाई में जुटे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, निकाले लगभग 10 टन कचरा व जलकुंभी। लोह नगरी के लिए स्वर्ण रेखा नदी लाइफ लाइन की तरह है। टाटा स्टील अपने स्टील उत्पादन के लिए और टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड शहर में पेयजल की सप्लाई के लिए इसी नदी पर निर्भर है। पिछले सप्ताह से झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शहर की लाइफ लाइन नदी को बचाने के लिए पहल कर रहे हैं। रविवार को भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ साथ जुस्को, इनर व्हील सहित कई सामाजिक संस्था ने भी श्रमदान किया। नदी की पेटी से जलकुंभी, प्लास्टिक बैग, ब्लोथिन सहित खाली बोतल सहित दूसरे अवशेषों को बाहर निकाला। रविवार को सभी के सामूहिक प्रयास से लगभग 10 टन का कचरा निकाला गया।
स्वर्णरेखा नदी पर लगातार बढ़ते प्रदूषण पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चिंता जाहिर की। कहा कि लोह नगरी के लिए यह नदी जीवन दायिनी की तरह है, लेकिन ये लगातार प्रदूषित होती जा रही है। नदी प्रदूषण न हो इसके लिए हम जल्द ही पहल करेंगे, क्योंकि नदी का अस्तित्व रहेगा तभी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। झारखंड में 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा 2 मई को चल रही है इनकी तैयारी। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। 2 मई को परीक्षा ली जाए इसके लिए सभी जिलों में बैठक का दौर जारी है। कोविड को ध्यान में रखते हुए कितने स्कूल में परीक्षा केंद्र बने, सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो, इन सब बातों को लेकर हर जिले में बैठक की जा रही है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि 4.5 लाख से अधिक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के सूत्रों के मुताबिक अभी तक आयोग 2 मई को ही परीक्षा लेने पर विचार कर रही है। संभावना यह भी है कि प्रवेश पत्र इसी महीने के दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। परिवहन सचिव के रवि कुमार पहुंचे जमशेदपुर, मानगो बस स्टैंड के साथ बस मालिकों के ऊपर की कार्रवाई। झारखंड के परिवहन सचिव के रवि कुमार ने मानगो बस स्टैंड व टाटा नगर रेलवे स्टेशन में कोरोना के मद्देनजर निरीक्षण किया। कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मानगो बस स्टैंड में जांच करते हुए दर्जनों बसों में ड्राइवर एवं यात्रियों के मास्क नहीं पहनने के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया। वहीं 7 बस मालिकों के खिलाफ कोरोना नियमों का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई। खबर है झारखंड के धनबाद से। धनबाद ने फिर लहराया परचम, जिला ओलंपिक संघ को मिला राज्य का सर्वश्रेष्ठ संघ का अवार्ड। धनबाद जिला ओलंपिक संघ को राज्य के सर्वश्रेष्ठ संघ के अवार्ड से नवाजा गया है। रविवार को रांची में झारखंड ओलंपिक संघ की वार्षिक आम बैठक सह झारखंड ओलंपिक अवार्ड समारोह में धनबाद जिला ओलंपिक संघ को सर्वश्रेष्ठ जिला संघ का अवार्ड दिया गया। धनबाद जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एसएम हाशमी, महासचिव रंजीत केसरी एवं जुबेर आलम ने बंगाल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष स्वपन बनर्जी के हाथों में अवार्ड प्राप्त किया। वहीं धनबाद के उभरते हुए युवा एथलेटिक धीरज पहाड़ी को बालक वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक का अवार्ड दिया गया। धीरज पहाड़ी किसी कारणवश अवार्ड समारोह में नहीं पहुँच सके, उनकी अनुपस्थिति में झारखण्ड ओलंपिक संघ के महासचिव ने उनका अवार्ड लिया। किसान आंदोलन को धार देने झारखंड आ रहे हैं राकेश टिकैत, खुट्टी में 19 को किसान पंचायत में होंगे शामिल। किसान मजदूर आंदोलन एकजुटता मंच 19 अप्रैल को खुट्टी में किसान पंचायत का आयोजन करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत इसमें भाग लेंगे। किसान महापंचायत में उनके अलावा प्रोफेसर दर्शन पाल सिंह, गुमनाम सिंह चडुनी, बलवीर सिंह राजेवाल और अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसान नेता भी शामिल होंगे। यह जानकारी रविवार को विनोद कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न जन संगठनों, सिविल सोसाइटी और सामाजिक संगठनों की बैठक के बाद दी गई। खबर है झारखंड के सरायकेला से। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना में शनिवारी झारखंड के मेडिट्रीना अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड। शनिवार को सरायकेला के आदित्यपुर स्थित मेडिट्रीना अस्पताल का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग की ओर से सस्पेंड कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने वाले मरीजों से भी रुपये लिए जाने की शिकायत की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिकायत की जाँच की गई और जाँच में पुष्टि के बाद मेडिट्रीना अस्पताल के लाइसेंस को सिविल सर्जन ने सस्पेंड कर दिया। आप सबको बता देना चाहता हूं कि आयुष्मान योजना में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। यानी कि अगर आयुष्मान योजना का लाभ उठाने वाला व्यक्ति बीमार होता है तो उसका 5 लाख तक का इलाज अस्पताल में मुफ्त किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। झारखंड बनेगा एजुकेशन हब, एक साथ खुलेगी 11 यूनिवर्सिटी। झारखंड एजुकेशन हब बनाने की राह पर बढ़ रहा है। अब यहां भी हर जिले में नई यूनिवर्सिटी खुलेगी। राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राज्य में 11 नई यूनिवर्सिटी जल्द ही खुल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो झारखंड देश का चौथा ऐसा राज्य होगा जहाँ सबसे ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने अब तक कुल 8 निजी विश्वविद्यालय खोलने को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट देने की अनुशंसा कर दी है। 3 विश्वविद्यालय को पूर्व में ही लेटर ऑफ इंटेंट देने की अनुशंसा हो चुकी है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। भागलपुर पहुंची हमसफर की रेक, 8 अप्रैल को होगी गोड्डा से रवाना। गोड्डा रेलवे स्टेशन से पहली बार 8 अप्रैल को ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है, जिसे रेल मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली से और सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे गोड्डा स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे।
गोड्डा से पोड़ियाहाट के बीच 19 किलोमीटर नई लाइन और स्टेशन मार्च में बनकर तैयार हुआ है। वहीं दूसरी ओर गोड्डा जिला के पोड़ियाहाट रेलवे स्टेशन से भी पहली ट्रेन को सितंबर 2019 में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली से ऑनलाइन और पोड़ियाहाट रेलवे स्टेशन से डॉक्टर निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उस वक्त ट्रेन थी जेसीडी दुमका पोड़ियाहाट पैसेंजर ट्रेन और इस बार नई दिल्ली भागलपुर गोड्डा हमसफर एक्सप्रेस। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर के घरेलू उत्पादों को मिलेगा ग्लोबल मार्केट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देवघर मार्केट लॉन्च करने की तैयारी। जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लघु एवं कुटीर उद्योग पेड़ा व्यवसाय की जीआई टैगिंग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा ताकि बाबा धाम के पेड़े को जीआई टैग से जोड़ा जा सके। जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में देवघर मार्केट को विकसित किया जाएगा। इसमें जिले के लघु एवं कुटीर उद्योग, पेड़ा उद्योग, लोहारगिरी, मिट्टी के बर्तन निर्माण, सिलाई कढ़ाई, बंबू उद्योग, लाह चूड़ी व लहटी आदि को सूचीबद्ध किया जाएगा। बाबा नगरी देवघर का पेड़ा विश्व प्रसिद्ध है। महाप्रसाद के रूप में लोग इसको ग्रहण करते हैं। जिला प्रशासन की इस पहल के बाद पेड़ा व्यवसाय में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट रोजाना आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह का न्यूज सुनना पसंद करते हो। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।